गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग नवीन पल्लव पार्ट 3 सादगी की मूरत पाठ का अभ्यास प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। पहले पिछले वीडियो में मैं आप लोगों के इस पाठ को समझा चुकी हूँ। इस पाठ में राजेंद्र बाबू की सादगी की विषय में बतलाई गई है। हम लोग पृष्ठ संख्या 24 देखेंगे। यहाँ पर देखिए, आपके पाठ में बहुत सारे कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। इस सारे कठिन शब्दों के अर्थ को आप लोगों को अपनी हिंदी कॉपी में सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है और उसको याद करना है। मैं अर्थों को तो नहीं बतलाऊंगी, आप लोग सही करेंगे, और मैं आप लोगों को मौखिक प्रश्न, लघु प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के विषय में बतलाती हूँ। यहाँ पर प्रश्न है कि भाई से कहाँ मिलने की बात थी, तो पृष्ठ संख्या 21 में देखेंगे कि पटना में भाई से मिलने की बात थी। यहाँ पर है पटना में भाई से मिलने की बात थी। जूतों के रंग रूप का पता क्यों नहीं चल रहा था? जूतों पर मिट्टी की परत जमा होने के कारण उसके रंग रूप का पता नहीं चल रहा था। प्रश्न संख्या 21 में ही देखिएगा, फर्स्ट पैराग्राफ का, मिट्टी की परत से ना जूतों के रंग रूप का पता नहीं चल रहा था। तो यहाँ पर उसका आंसर होगा, जूतों पर मिट्टी की परत जमा होने के कारण उसके रंग रूप का पता नहीं चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र बाबू की शरीर का गठन कैसा था? राजेंद्र बाबू के शरीर का गठन एक सामान्य भारतीय नागरिक की तरह था। लेखिका को राजेंद्र बाबू से निकटता का अवसर कब मिला? लेखिका को राजेंद्र बाबू से निकटता का अवसर या संपर्क में आने का अवसर सन 1935 में इलाहाबाद महिला विद्यापीठ के भवन शिलान्यास के समय प्रयाग में हुआ। यहाँ पर देखिए, यहाँ थर्ड पैराग्राफ में दी गई है, 1935 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में इलाहाबाद महिला विद्यापीठ के भवन का शिलान्यास करने आए थे। तो यहाँ पर आप इस प्रश्न का आंसर को बना के लिखेंगे, लेखिका को राजेंद्र बाबू से निकट संपर्क में आने का अवसर सन 1935 में इलाहाबाद महिला विद्यापीठ के भवन में या के शिलान्यास के समय प्रयाग में हुआ। अब लघु प्रश्न है, लेखिका शीतावकाश में अपने घर कहाँ जा रही थी? लेखिका शीतावकाश में अपने घर भागलपुर जा रही थी। दूसरा प्रश्न है, लेखिका को किस अभिवादन का ध्यान आया? लेखिका को भाई से यह जानने के उपरांत कि स्टेशन पर बैठे उक्त सज्जन राजेंद्र बाबू हैं, उनके अभिवादन का ध्यान आया। संगम तट पर किसकी पलटन राजेंद्र बाबू की पत्नी को घेर लेती थी? संगम तट पर कोलाहल करते हुए पंडों की पूरी पलटन उन्हें
घेर लेती थी या संगम तट पर कोलाहल करते हुए पंडों की पूरी पलटन राजेंद्र बाबू की पत्नी को घेर लेती थी। उन्हें के स्थान में आप लोग राजेंद्र बाबू की पत्नी को घेर लेती थी लिख सकते हैं। प्रयाग से कौन सी चीज एक दर्जन लाने का आदेश लेखिका को मिला था। प्रयाग से सिरकी के बने एक दर्जन सूप लाने का आदेश लेखिका को मिला था। अब यहाँ पर लॉन्ग या दीर्घ प्रश्न है। लेखिका को स्टेशन पर कुछ घंटे क्यों व्यतीत करने पड़े। दीर्घ प्रश्न है। लेखिका को स्टेशन पर कुछ घंटे क्यों व्यतीत करने पड़े। लेखिका जब शीतोकाश में अपने घर भागलपुर जा रही थी तब उसे पटना में भाई से मिलने के लिए स्टेशन पर कुछ घंटे व्यतीत करने पड़े। दूसरा प्रश्न है राजेंद्र बाबू की वेशभूषा कैसी थी। राजेंद्र बाबू की वेशभूषा ग्रामीण जैसी थी। खादी की मोटी धोती, मोटी खुरदरे काले बंद गले का कोट जिसका ऊपर का बटन टूटा हुआ था, जूतों पर धूल मिट्टी की परत जमी हुई थी, सिर पर गांधी टोपी थी जिसकी आगे की नोक बाई भावे पर खिसक आई थी। इस तरह उसके वेशभूषा और स्वभाव से वे एक भारतीय किसान जैसे लग रहे थे। राजेंद्र बाबू की सहधर्मिनी कैसी थी। राजेंद्र बाबू की सहधर्मिनी साध्वी, सरल, क्षमामयी और सबके प्रति ममतामयी थी। मानो सच्चे अर्थ में वे एक धरती की पुत्री थी। बालिकाओं के संबंध में राजेंद्र बाबू का क्या निर्देश था। बालिकाओं के संबंध में राजेंद्र बाबू का निर्देश था कि वे सादगी और संयम से रहे, वे खादी के कपड़े पहने और उन्हें स्वयं धोएं, साबुन तेल पर अधिक खर्च ना करें, कमरे की सफाई झाड़ पोछ करें और साथ ही साथ गुरुजनों की सेवा भी करें। पांचवा प्रश्न है लेखिका ने राजेंद्र बाबू को किस प्रकार उपवास का पालन करते हुए देखा। लेखिका ने राजेंद्र बाबू को उपवास का उपरांत एक सामान्य आसन पर बैठकर कुछ उबले आलू खाकर पालन करते हुए देखा या उपवास का पालन करते हुए देखा लिख सकते हैं। अब है आपके पाठ में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करें यहाँ पर डैश मैं प्रयाग में बीए की छात्रा थी। दूसरा उनकी वेशभूषा की ग्रामीणता तो दृष्टि को और भी उलझा देती थी। तीसरा गांधी टोपी की स्थिति तो और भी विचित्र थी। उनकी सहधर्मिनी में से किसी का या किसी प्रकार का बदलाव नहीं आया। राजेंद्र बाबू तथा उनकी सहधर्मिनी सप्ताह में एक दिन अन्न ग्रहण नहीं करते थे। और इस प्रकार यहाँ पर आपके पाठ में समानार्थी शब्द, संधि विच्छेद और उपसर्ग, इसको मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, इसको आप लोग स्वयं करेंगे। और ये जो पाठ है, ये जो आपका पाठ है, बच्चों ध्यान से सुनेंगे, ये जो पाठ है आप लोग उच्चारण के साथ पाठ को पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर को समझ के लिखेंगे और पूरी पाठ को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे पूरी पाठ को, और जितना भी कठिन शब्दों के अर्थ है उसको भी ध्यान से देखेंगे। और जो बच्चे अपनी हिंदी कॉपी में
प्रश्न अभ्यास नहीं लिखे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा और सारे प्रश्नों के उत्तर को ध्यान से पढ़िएगा और याद कीजिएगा। बीच बीच में कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं, उसको भी आप लोग पेंसिल से रेखांकित कीजिएगा। जैसे सन 1935 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में इलाहाबाद महिला विद्यापीठ भवन का शिलान्यास करने प्रयाग आए।